नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं विवेक तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ अपने आपके इस YouTube चैनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है जहाँ आज पूरा विश्व राममय हो रहा है, हर तरफ प्रभु राम की चर्चा हो रही है। वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट जो पूरे विश्व के तमाम उन कलाकारों को, तमाम आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम करता है, आज हमारा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे साथ हिंदुस्तान से वो तीन आर्टिस्ट जुड़ रही हैं जो प्रभु राम का ना केवल चिंतन मनन पूजन करती हैं बल्कि प्रभु राम के नाम का, राम आर्ट का उपयोग करके राम आर्ट्स बना रही हैं, जिनकी पेंटिंग, जिनके आर्ट पूरे विश्व में तमाम रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, जिनके आर्ट्स को तमाम देश की महान विभूतियों को समर्पित किया जा चुका है, जिनके आर्ट्स को प्रभु के ही आर्ट्स के प्रभु के नाम के द्वारा बनाए गए आर्ट्स के प्रभु के मंदिरों में लगाया गया है। तो आज मैं उन तीन आर्टिस्टों का आप लोगों से परिचय करा देता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कविता डागा जी, जो कलकत्ता से जुड़ेंगी, जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, जिन्होंने राम आर्ट्स के ऊपर राम तमाम इनोवेटिव काम किया हुआ है, और इन्होंने आज आप लोगों को बताएंगी कैसे राम आर्ट्स से आप लोग जुड़ सकते हैं, कैसे राम आर्ट्स के द्वारा ना केवल आप आर्ट बना सकते हैं बल्कि खुद को, अपने आप को डिटॉक्स भी कर सकते हैं, अपने आप को मेडिटेट भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश से जुड़ेंगी, जो तमाम फिजिकल चैलेंजेस को पार करते हुए प्रभु राम की प्रेरणा से, प्रभु राम की कृपा से बहुत अच्छी राम आर्ट्स की पेंटिंग बना रही हैं और तमाम अलग अलग मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। आज हमारे साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी वाराणसी से जुड़ेंगी शालिनी मिश्रा जी, जो पेशे से एक शिक्षिका हैं, जिनके द्वारा राम आर्ट्स, राम दरबार की चर्चा पूरे देश में है। इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स में भी अपने आप को नॉमिनेट किया हुआ है। इनके द्वारा पेंटिंग्स बनारस के कई मंदिरों में लगाई गई है जिन्होंने राम दरबार बनाया है। तो आज हम लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे साथ तीन आर्टिस्ट जुड़ेंगी जो राम आर्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो आगे की सेशन है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और प्रभु राम का आप जैसे अनुसरण करते हैं, उनके चरित्रों को, उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारते हैं, उसी तरीके से राम आर्ट से भी जुड़ेंगे और आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एक मुहिम है, आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा जो एक मेरे अपने राम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता चल रही है उसमें आप लोग प्रतिभाग करेंगे। और कहते हैं राम मन में भी है, राम तन में भी है, और राम तो अब आपकी अपनी कलम में भी है। तो आप ये लोग ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे आने वाले सभी आर्टिस्टों को जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार, आप लोगों को जय जय श्री राम। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दिन है हम लोगों के लिए कि प्रभु राम नाम से जो पेंटिंग्स बना रही हैं और हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जिनकी चर्चाएं हैं, आज वो हमारे साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के इस चैनल पे जुड़ी हैं। कविता डागा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। कविता जी, नमस्कार, राम राम। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं कुछ राम राम आर्ट्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं बताऊँ? बिल्कुल 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 कविता जी, आज मैं मेरे साथ आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए पूरे देश विदेश में हजारों आर्टिस्ट के साथ तमाम दर्शक भी आपको जरूर सुनना चाहते हैं, और इसीलिए हम आपसे आज जुड़े हैं कि आप अपने राम जी राम आर्ट के बारे में जी हमारे समस्त दर्शकों को जरूर बताएं। जी सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि राम राम आर्ट्स ये हमारी बहुत बहुत पुरानी सनातन परंपरा चली आ रही है। मतलब हमारे हिंदुस्तान का फाउंडेशन ही पूरा राम नाम के ऊपर में है। यहाँ पे हजारों हजारों राम लेखन होता है, लाखों लाखों राम लेखन होता है कि जिसकी गिनती ही नहीं है। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहती हूँ अपने आप से कि ये
मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन हाँ इसको एक आर्ट फॉर्म में मेरे द्वारा जरूर डाला गया है, लेकिन मैं उसी परंपरा से जुड़ी हूँ। लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया है इसको रामलेखन, मैंने 2018 से शुरू किया है, उसके पहले तक मैंने कभी भी कोई पेंटिंग नहीं बनाई थी। मेरा आर्ट से दूर दूर तक का भी कोई रिलेशन नहीं है, कोई ड्राइंग क्लासेस या आर्ट क्लास की क्लासेस मैंने नहीं की है। लेकिन जब मैंने इसको शुरू किया है एक राइटिंग के रूप में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब छोटी छोटी कृतियां बना के या ओम लिख के या स्वस्तिक बना के जब उस पर राम लेखन कर रही हूँ, तो मेरा उसमें बहुत ज्यादा मन लग रहा था। एक तरह से वो आर्ट के प्रति होता है ना, आर्ट अपने आप में मेडिटेशन होता है, तो आप पूरी तरह से उससे जुड़ जाते हो और वो प्रैक्टिस करते करते निरंतर वो राम थोड़ा थोड़ा छोटा होता गया, और फिर वो इतना छोटा हो गया ना कि कम से कम जहां पे हम 100 राम लिखते हैं ना, वहां पे मुझे मैंने हजारों राम लिख दिए इतनी सी जगह में। तो मुझे वो भी एक आश्चर्यचकित लगा कि इतने सारे अनगिनत राम भी लिखे जा रहे हैं, मन भी लगा हुआ है, एक आर्ट फॉर्म में भी चली गई हूँ, मेडिटेशन भी हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रहा है, और उसके बाद फोकस हो रहा है। ऐसा फोकस कि मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में आपकी मन की विचलित परिस्थिति है यदि, तो आपको उस समय कुछ ना कुछ निरंतर क्रिया करनी पड़ेगी, और उस समय यदि आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए राम लेखन को यदि राम राम आर्ट्स के द्वारा करते हो ना, तो आप इसके प्रभाव को समझ सकते हो। और सचमुच में मेरे साथ इतने सारे लोग इसको कर रहे हैं, और उनका भी सबका यही कहना है कि ये पूरी तरह से मेडिटेशन है। तो इसीलिए मैंने ये सब सोचते हुए ही मैंने पिछले करीब 4 साल में मैंने हिंदुस्तान में निःशुल्क 80 से ज्यादा वर्कशॉप्स ली है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें जाने आने का जो खर्चा होता है वो भी बड़ा सपोर्ट मिला है, और इसीलिए मैं कर पा रही हूँ। तो ये इसमें हजारों हजारों लोग एक साथ बैठ के, और 7 साल के बच्चे से लेके तो 70 साल के, 80 साल के, हम लोग सब स्त्री पुरुष सब एक साथ बैठ के और राम लेखन करते हैं, और पूरी तरह से राम लेखन से जुड़ जाते हैं और इस कला के प्रभाव को लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर चीज है। तो मैं आगे कभी भी विवेक जी आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि आप इसका आयोजन कभी भी आगे आपके दुबई में या अबू धाबी में कभी भी करवाएंगे तो मैं जरूर से आऊंगी, और आप इसको जरूर से करवाइए। कविता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक, अगर आज किसी को तनाव है, कोई डिप्रेशन है, और पूरे विश्व की एक लेटेस्ट सर्वे है कि 90% लाफिंग फेसेस हैविंग डिप्रेशन इश्यूज, तो पूरे विश्व को राम नाम का, ये जो हमारा राम नामी आर्ट है, वो एक संदेश देता है कि जब भी आप परेशान हो, जब भी आप तनाव में हो, जब भी आप एक अकेला फील करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट फील करें, राम नाम की आर्ट्स को बनाना शुरू करें, प्रभु राम का सुमिरन भी होगा और आपका जी कंसेप्ट भी बढ़ेगा और आपकी मेमोरी पावर जी बढ़ेगी और आप जी तनाव से दूर रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात कही। हमारे युवा साथियों को, हमारे बच्चों को, हमारे वो कामगार लोगों को, हमारे वो व्यक्तियों को जिनको लगता है कि वो डिप्रेशन में क्या करें, बहुत लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। जैसा आप जानती हैं, कोई सिगरेट पीना शुरू करता है, कोई ड्रिंक करना स्टार्ट करता है, कोई चाय कॉफी को लेता है। तो आपने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके मन में ये बात कब आई, हाँ जैसे नॉर्मली हर लोग पेंटिंग करते हैं, आपको मन में ये कब जी आई पेंटिंग मतलब ड्राइंग करती हूँ और आर्ट्स बनाती हूँ वो राम नाम से, ये जी कब आया? जी ये सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मुझे एक तरह से ये ब्लेसिंग्स है, लेकिन फिर भी मेरी जो अपनी सासू माँ है उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा राम लेखन किया है, और उनकी हमेशा इच्छा रहती कि मैं भी करूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब आपको जो चीज नहीं मिलनी होती है तो नहीं होता है, तो मैंने उनकी बात को कभी नहीं सुना। लेकिन जब उनके जो उनके जाने के पश्चात जो हमारे कस्टम्स होते हैं उसमें जो 10 दिन मैंने लेखन किया ना, तो वो लेखन में मैंने मार्क किया कि मैं लिख तो रही थी राम राम, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और जा रहा था, और उस समय मैंने नोटिस किया कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मैं राम राम लिखते समय उसको फील कर सकूं। तो मैंने वो जो बॉक्स की कॉपीज होती है ना राम राम लिखने की, उसी में छोटी छोटी पिक्चर ड्रॉ करके ओम लिख के इसको बनाना शुरू किया। तो मुझे इसका फर्क समझ में आया कि यदि हम राम लेखन को राम लेखन आर्ट के द्वारा करेंगे तो इसका प्रभाव हमें, इसके जो एडवांटेजेस है, इसके फायदे हैं, ये हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। तो तो आप सबसे सुंदर बात ये थी,
और जब आप कोई काम को बहुत मन लगा के करते हो तो नेचुरली आपके घर का वातावरण कुछ अलग हो जाता है। और मेरे हस्बैंड ने भी ये नोटिस किया कि हमारे घर में कुछ दिन ऐसे शांति वाली माहौल थी, थोड़े से ये सब कम हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना ये तुम आर्ट औरों को भी सिखाओ, क्योंकि हमने इसमें बहुत फायदे देखे हैं। और ये सब सोचते हुए फिर मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, और फिर धीरे धीरे वर्कशॉप्स को स्टार्ट किया। और ऐसे करते हुए हम बहुत सारे लोग एक तरह से राम राम आर्ट्स का एक परिवार बन गए हैं, और इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना के इसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो मानती हूँ कि इसमें मेरे साथ में जितने भी लोग लगे हुए हैं ना, वो सबका इसमें बहुत बड़ा राम नाम के लिए सहयोग है। सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। मैं विवेक तिवारी आर्ट एंड क्राफ्ट की टीम से, आज बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सौभाग्य का पल है कि हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी हैं, जो ना कि बहुत अच्छा आर्ट बनाती हैं बल्कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व की धनी भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रियंका हमसे जुड़े। प्रियंका जी, आ रही है आपको? जी सारे सर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन। तो मैं आप हमारे सभी दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करती हैं और आप कैसे आर्ट्स के प्रति आपका ये रुझान बढ़ा और कब से आप आर्ट बना रही हैं। मैं प्रियंका शर्मा हूँ भोपाल से, और आर्ट का मैंने क्लासेस नहीं की है, आर्ट का बस मुझे शौक था। जी, आर्ट का बस मुझे शौक था तो मैं पेंटिंग करती थी बचपन से, और अरे आर्ट वाह, एंड क्राफ्ट में पेंटिंग करती थी। पर कोरोना के टाइम पे मैं राम राम आर्ट और अदर आर्ट वर्क करने लगी। आर्ट तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, पर 2020 से मैंने लोगों से शेयर करना चालू किया, अरे वाह, मतलब बहुत सोशल बढ़िया, मीडिया पे आई हूँ। और बाकी मैं शेयर नहीं करती थी उससे पहले। जी। मतलब एक हिचक रहती है ना जब आदमी कुछ करता है, और जब इसीलिए उसको प्रोत्साहन मिलता है, इसीलिए कहते हैं जब भी किसी को किसी कार्य को देखते हुए देखो तो उसका मनोबल जरूर बढ़ाओ। क्या होता है, जब आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपको मनोबल बढ़ता है, तो आदमी दुगने चौगने और बहुत सारी और लगन से उसको काम को करता है। जब आप सोशल मीडिया पे आई तो आपको लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा आशीर्वाद मिला, तो आप और अच्छा करने लगी। जी, लोगों बहुत के बढ़िया, मोटिवेशन से मुझे हिम्मत मिली आगे बढ़ने की। जी। और आर्ट एक मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो राम राम आर्ट करती हूँ। और सारे ही मेरे आर्ट हैं वो हिंदू उससे रहते हैं, अरे वाह, बहुत मैथोलॉजी से, बढ़िया। हिंदू देवी देवताओं से, और मंत्रों से, टाइपोग्राफी टाइप करती हूँ। मैं टाइपोग्राफ आर्टिस्ट, तो उसमें पीछे गणेश जी के नाम या राम राम लिख के इस तरह मैं आर्ट वर्क करती हूँ। इंडियन बहुत फोक बढ़िया, आर्ट्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ये कहना चाह रही हैं प्रियंका जी कि आपकी जो भी आर्ट्स होती हैं वो आपके अपने स्पिरिचुअल से कनेक्टेड रहती हैं, जिससे आपको एक पीस भी मिलती है, आपको एक मेडिटेशन भी होता है, और आपका अपना आर्ट्स के प्रति भी एक रुझान बढ़ रहा है। तो आप जो आप आर्ट बनाती हैं, उस आर्ट को बनाने का मोटिव क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज आप, जैसे आपने कोई भी आर्ट डिजाइन करते हो, तो उसका थीम क्या होता है आर्ट्स का? जैसे जनरली हम जब कुछ ड्रॉ करने बैठते हैं ना, हमारे दिमाग में एक थीम आती है, तो आप कौन कौन से थीम्स पे आज तक आर्ट ड्रॉ कर चुकी हैं? तो मेरे थीम्स नेचर पे रहते हैं और गॉड पे रहते हैं अधिकतर। अरे कि वाह, बहुत जैसे बढ़िया, मुझे बहुत नेचर अच्छी पे बात है। और गॉड पे रहते हैं कि मैं अपने किस तरह अपने ईश्वर से कनेक्ट होती हूँ, किस तरह से उन्हें, जो मेरे मन में विचार रहते हैं उनके लिए हाव भाव रहते हैं, वो मेरे मन में जो रहता है वो मैं से कागज पे या कैनवास पे उतारती हूँ। बहुत बड़ी बात आपने बोली। हमारे समस्त दर्शकों के लिए और हमारे इस जो भी लोग इसको देख रहे हैं और जो भी बाद में देखेंगे, उन सबके लिए कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उससे उसको जब आप अपनी पेन और अपनी कागज के थ्रू आप उतार देते हो, उकेर देते हो, वही आपकी सबसे बड़ी कला है। और एक बहुत अच्छी बात बोली अपने प्रियंका जी, कि अपने गॉड से कनेक्ट करने के लिए, मतलब कहते हैं कि भगवान और व्यक्ति के बीच में जो सबसे बड़ी चीज होती है और उसकी भावना होती है, और उस भावना को व्यक्त करने के लिए, मतलब अपने जो जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को, आपने एक माध्यम बनाया है भगवान से कनेक्ट होने का, वो माध्यम है आपका आर्ट। क्या मैं यही समझ पा रहा जी, हूँ? मैं ईश्वर बहुत से जुड़ने का एक तरीका लगता है मुझे, क्योंकि
ईश्वर से पूजा सिर्फ मूर्ति के सामने बैठ के ही नहीं की जाती, ईश्वर से पूजा मानसिक रूप से भी की जाती है, और अपनी कला को कागज पर उकेर के भी की जा सकती है कि आप किस तरह ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उनका नाम जपना चाहते हैं। तो वो आप जरूरी नहीं कि आप ईश्वर के सामने पूजा करके या मूर्ति पूजा करके ही की जा सकती है, आप लिख के भी अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं या चित्र उकेर के। बहुत बहुत ही मतलब अच्छा संदेश आपने दिया कि, और आपको अपने आप से खुश रहना है, आपको मेडिटेट करना है, भगवान से जुड़ना है, तो आप आर्ट्स का। जी प्रियंका जी, और आर्ट्स के अलावा क्या करती हैं आप कुछ अपने बारे में, क्योंकि आप इतना अच्छा ना केवल बनाती हैं जबकि, और मुझे यकीन है कि जो हमारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्था है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, तमाम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी प्रतिभा को ना केवल प्रदर्शित करते हैं बल्कि दूसरों को एक तरीके से आपका प्रोत्साहित भी करते हैं, जैसे आपने कर रही हैं हमें। तो आप आर्ट्स बनाती हैं, उसके अलावा कुछ करती हैं आप प्रियंका जी? जी मैं टीचिंग करती हूँ और मैं इंटीरियर में हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग। अरे वाह, आप शिक्षिका भी हैं और आप इंटीरियर डिजाइन भी हैं, डिजाइन भी करती हैं, और आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर्ट बनाती हैं, राम आर्ट बनाती हैं, गणेश जी की आर्ट बनाती हैं। वाह, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, बहुत अच्छा आप कर रही हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आर्ट्स हैं, में आने का एक रीजन और भी है कि मेरे साथ हेल्थ इश्यू है कुछ, तो आर्ट में आने के बाद मैं अपने दर्द को भूल जाती हूँ, मैं अपनी तकलीफ को भूल जाती हूँ, और मुझे काफी अच्छा लगता है करना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अपने समस्त दर्शकों की तरफ से भगवान के चरणों में विनती जरूर करूंगा कि आपका जो दर्द है आपके इस मनोबल के सामने फीका पड़ जाए, आपके जो अपने एक जुझारूपन है, कहते हैं अनुमा सिन्हा के पार पैर नहीं थे फिर भी उन्होंने एवरेस्ट पे फतह की, तो आप आपका जो आपका मनोबल है वो आपको हमेशा एकदम उच्च कोटि का रखे, जिससे आपके अपने समस्त मानसिक और शारीरिक दर्द बहुत दूर रहे। मैं प्रभु के चरणों में जरूर विनती करूंगा अपने समस्त श्रोताओं की तरफ से भी, क्योंकि जिसके जिसका इतना उच्च कोटि का मनोबल होगा उसके आगे दर्द भी खुद भी दवाई मांगेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। प्रियंका जी, मैं चलते चलते आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे वो युवा साथी स्पेशली, या वो व्यक्ति जो अकेला फील कर रहा है, जैसे आपने बोला कि डिप्रेशन की दवा भी है आर्ट, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगी जिनका आर्ट्स के प्रति बहुत रुझान नहीं? जैसे आप मुझे ले लीजिए एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छी आर्ट्स नहीं आती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट्स को एक तरीके से उनके दिमाग में फियर भी है और एक डर भी रहता है कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। आप उनको कुछ कहना चाहेंगे, खासकर युवाओं को भी, कि वो कैसे आर्ट्स क्यों बनानी चाहिए और क्या-क्या फायदे होंगे उनके? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आर्ट दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, आर्ट आप उस वो करो जो आपके दिल में है, और आपको खुशी मिलना चाहिए उसे करके। आप अगर दूसरों से खुशी के लिए नहीं, आप उसे करके आप खुश हो जाना चाहिए, आप उससे कनेक्ट फील करिए कि मुझे इससे करके मेरे दिल से भाव निकल रहा है, और जब आप उससे जुड़ेंगे तो दूसरे लोग को लोगों को भी उससे उनकी भावनाओं से जुड़ोगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन, जी सर, क्या आप आपने बहुत अपना बहुत मुझे धन्यवाद समय सर निकाला, आपका। आज आपने ये अपना समय निकाला। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज आप इतना अच्छा आर्ट्स बना रही हैं, ये आर्ट का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? कुछ अपने बारे में आप हमारे समस्त श्रोताओं को बताएं, और कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की, और कब ये ख्याल आया कि नहीं अपने करियर के साथ साथ अपनी इस आर्ट स्किल्स को भी और अपलिफ्ट करना चाहिए? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह मौका दिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट की ओर से इंटरव्यू देने का। और मैं बनारस से हूँ और मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। मैंने ये वाली जर्नी 2020 टाइम स्टार्ट की थी। मैंने फेसबुक पे एक आर्ट देखा था, और मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी राम नाम हमेशा, वो मतलब कि यहाँ पे एक राम नमा पति बैंक करके एक बैंक है उसमें लिख के देती थी, तो घर का माहौल ही ऐसा था स्पिरिचुअल टाइप का कि वो उसको देख के भी एक वो मिला कि चलो बनाते हैं कुछ ऐसा। और इसके द्वारा ही मैंने कई रामायण के वो सीन लेके चित्र बनाए। मैंने राम नाम से अभी तक 27 आर्ट्स बनाए हैं, जो कि डिफरेंट पेन का यूज करके
उसमें लाइन और डॉट का यूज नहीं किया है। और इसके अलावा शुरू मतलब पहले मैं एक्रेलिक पेंटिंग ये सब कैनवास पे बनाती थी और वाटर कलर पेंटिंग ये सब मतलब शुरू से था, लेकिन ये टाइपोग्राफिक पोर्ट्रेट का तो 2020 से ही स्टार्ट किया था। वैसे आप पेशे से क्या करती हैं? मतलब कई लोगों को ये लगता है, मुझे भी लगता था जी कि जो BFA MFA होंगे, जैसे मैं हूँ, मेरी खुद से लाइन कभी राइट एंगल टेंगल क्यूट एंगल ही बना है हमेशा, तो हमसे खुद से एक लाइन ड्रॉ नहीं होती। मुझे लगता था जो आर्ट्स आर्ट बनाते होंगे वो आर्ट्स का स्पेसिफिक कोर्स यूज करते होंगे। वैसे आप पेशे से क्या कर रही हैं, और सर, अगर मैंने बताना ना चाहें तो? आर्ट्स का कोई कोर्स ही आज तक नहीं किया कुछ भी। मैंने बहुत से कोर्स किए लेकिन आर्ट्स वाला नहीं किया, ये मेरा रह गया। वैसे मैं एमएससी हूँ बॉटनी से, और वर्तमान में मैं पीएचडी कर रही हूँ एजुकेशन से। जी अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे युवा आज पूरे विश्व में आर्ट्स की तरफ तमाम अपनी क्रिएटिविटी को निखार रहे हैं, उसको उतार रहे हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगी, खासकर वो जिनको लगता है कि नहीं, आर्ट्स एक ना स्पेसिफिक लोगों का काम है, मैं क्यों करूं? तो आप, क्योंकि आज में तमाम गैजेट्स जब से आ गए हैं, स्पेशली मैं गैजेट्स का नाम ले रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का टाइम है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक का टाइम है, उसमें युवा तमाम अपनी क्रिएटिविटी वीडियो रील्स में डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइंग समथिंग। जी आप उनको क्या कहना चाहेंगी, और कोई कितना आसानी से इससे जुड़ सकता है अगर जुड़ना चाहे तो? आप उन बच्चों के लिए, खासकर युवा वर्ग के लिए कहना चाहेंगी कि आर्ट्स के सर, लिए क्यों जुड़ना आजकल चाहिए? YouTube से बहुत सी चीजें सीखी जा सकती हैं, और उसमें बिगिनर से लेके सभी तक के लिए कई वीडियो बने हैं, उसको देख के भी सीखा जा सकता है। और एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है ये करने से, पेंटिंग और क्रिएटिविटी तो बढ़ती ही है, और माइंड का भी हमें मुझे लगता है कि कुछ डेवलपमेंट जरूर होता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी डालते, कुछ सोचते हैं उसमें लगाते हैं, मतलब आपको आइडियाज जुनी आते हैं। तो ये पेंटिंग एक ऐसा एरिया है कि मुझे लगता है सबको करना चाहिए जिनको मतलब थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है सर। बहुत अच्छी। मतलब एक चीज, मैंने सारे आर्टिस्ट से बात किया, चाहे इंडिया के, चाहे इंडिया के बाहर से, चाहे यूके से, वर्ल्ड वाइड, एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई, जो मैं से हियर, कि हर किसी ने बोला कि विवेक जी, आर्ट से आप कंसंट्रेट होते हो, एक तरीके का मेडिटेशन है और आपकी जी एकाग्रता बढ़ती है। तो शायद आप भी ये चीज अनुभव करती होंगी, हमारे सारे श्रोता भी इस चीज को अनुभव करते होंगे कि हमारी सर, लाइफ जैसे में। एक्रिलिक, हाँ एक्रिलिक जी पेंटिंग है, उसमें मुझे नहीं लगता उतना वो क्रिएट मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ता होगा, लेकिन जो राम राम लिख के और भी डिफरेंट टाइप के पेन यूज करके, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। छोटा छोटा लिखना, कहीं ये पेन ना कलर यूज हो गलत हो जाए, तो उसमें तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पावर लगती है। उसमें मैंने देखा जब बनाया कि चार चार पांच पांच घंटे राम राम लिखना एक लाइन का, कि कहीं बड़ा ना हो जाए, मतलब उस पे और अपने है। आप से जुड़ना है, अगर आपको अपने आप से जी जुड़ना है, अगर आपको दुनियादारी से विमुक्त होना है, और आपको वास्तव में एक मेडिटेशन करना है, एकाग्र होना ये है, सर बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा आर्ट है। तो मैं बिल्कुल इस चीज को आप लोगों के माध्यम से युवाओं तक जरूर पहुंचाने की कोशिश रहेगी, भाई अनिल जी के माध्यम से, कि अगर आपको अपने आप से अटैच होना है और कंसंट्रेट होना है, तो आप पेंटिंग स्टार्ट करिए, आर्ट्स बनाइए, क्रिएटिविटी लाइए। और बाकी मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था शालिनी जी, कि जैसे आज आर्ट्स तो जी लोग बना रहे हैं, इसको आपको एक, कई लोगों का मेरे साथ क्वेश्चन ये था कि इसमें करियर संबंधित आपको क्या लगता है, कि आर्ट्स के क्षेत्र में करियर संबंधित क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्योंकि आप काशी से हैं, बड़ी विद्युत जी कहते हैं, विद्वानों की नगरी है, हर महादेव की नगरी है, तो आपको, और आपको क्या लगता है शालिनी जी, कि अगर कोई एक एज अ यूथ अगर इस फिल्म में आता है, तो करियर संबंधित आपको कुछ क्या नजर आता है, संभावनाएं इसकी? पर इसमें जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनके लिए तो है, लेकिन इसमें फेम बहुत ज्यादा है। मैंने जब से बनाना चालू किया है अक्सर करके पेपर में नाम, पहले कभी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इधर 2-3 साल से और मेरे आर्ट्स जैसे मोमेंटो बना के दिए गए, तो ये एक अपने आप में अचीवमेंट है सर। इससे जैसे फेम मेरे तो बहुत अपने राम मिलता है। के जो जी जैसे मेरे जी अपने राम, ये एक जो कॉन्सेप्ट है, जो एक थीम है, और आपने राम पे पेंटिंग्स बनाई हैं, राम जी पे, जी राम दरबार पे? जी, कब बनाई, क्या रहा उसका, मतलब क्या स्टोरी रही उसकी?
तो राम दरबार मैंने बनाया वो मतलब A2 साइज पे बनाया था और बहुत ही महीन लिखा गया है उसको। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज हुआ और उसमें क्या था कई लाख राम लिखे गए होंगे और उसको मोमेंटो बना के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने बांटा भी। और ये मंदिर है एक यहाँ पे, वहां पे भी इसकी एक तस्वीर वहां के स्वामी जी ने ली और लगाई। वाह बहुत बढ़िया। मतलब ना जी केवल जो आपके हाथों से आपकी एक कला है उसको आपने खुद में रखा, बाकी वो एक रिकॉर्ड में भी सम्मिलित हुआ और उसको भगवान के दरबार, भगवान की बनाई हुई पेंटिंग अगर लग जाए तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जी मंदिर में चलिए कई लगी है। वाह बहुत बढ़िया लगा और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप जो पूरे विश्व के आर्टिस्ट को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है आर्ट एंड क्राफ्ट, इससे आप जुड़ी रहेंगी और हमारे समस्त आर्टिस्ट को, चाहे वो नवागंतुक हों चाहे पुराने हों, उनका आप लोग करते रहेंगे।